देख रहे हैं आधुनिक खबरें डीएस न्यूज। इस वक्त मैं बाराबंकी जनपद के हरक विकास खंड की जो है राजकीय महाविद्यालय हरक में मौजूद हूँ, जहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना स्थल बनाया गया। यहाँ पर मतगणना होनी है। आपको दिखाना चाहते हैं कैमरा में उसके दिखाया कि किस तरीके से जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है सीटें लगा दी गई है। यहीं पर जो है मेजें लगी हुई हैं, इस तरीके की जो है मेजों पर यहाँ पर जो है दिखाओ, यहाँ पर जो है जितने अधिकर्ता हैं, एजेंट हैं, प्रत्याशी खड़े होंगे, और उस तरफ जो है बाउंड्री के उस तरफ जो है मेजर लगाई, वहाँ पर जो है अधिकारी जो वोटों की गिनती करेंगे। इस तरीके से भारी व्यवस्था कर ली गई है, और इसी तरीके से 14 टेबल लगाई गई, 14 टेबल पर वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जो अनवरत जारी रहेगी, जबकि संपूर्ण जो है मतगणना नहीं हो जाएगी, तब तक मतगणना जारी रहेगी। इस तरीके से भारी सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद के साथ जो है यहाँ पर सुबह कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जो अनवरत लगातार जारी रहेगी। अब जो है सही व्यवस्था यहाँ पर पूरी कर ली, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था हो गई है। और दिनेश कुमार वर्मा के साथ कैमरामैन अभिषेक कुमार, डीएस न्यूज बाराबंकी की।